चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि साधु साधु सर सभी आज का जो महिला विशेष दिन है इस उपलक्ष में मैं आज जुड़ी हुई सारी जो पहले से जुड़ी हुई बहने हमारी और आज जो भी बहने हमारी नई जुड़ी है उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सभी को मैं धन्यवाद जय भीम और नमो बुद्धाय करता हूँ। और मुझे चूंकि अभी विद पीपल का जो कंसेप्ट है समन संघ का इसका कंसेप्ट बोलने के बारे में बताने के बारे में जो कहा गया तो मैं आयोजकों का भी स्वागत करता हूं और मैं कुछ चंद मिनटों में मैं अपना मत रखूंगा कि विद पीपल क्या है, विद पीपल का कंसेप्ट क्या है, विद पीपल में आने के बाद हमको क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है और हमारा जो एक कर्तव्य क्या बनता है कि हम विद पीपल से क्यों जुड़े। तो बात ऐसी है कि जो समन संघ है विद पीपल का, ये जो विद पीपल का समन संघ है ये कोई आज की बात नहीं है। तथागत बुद्ध से पहले भी अगर हम बाबा साहब की बुद्ध एंड इस धम्मा की किताब पढ़ते हैं जो इतना महान ग्रंथ है कि जो आने वाले कई सदियों तक इसका इफेक्ट रहेगा और बाबा साहब ने बहुत गहराई से करीब 40 साल तक बुद्ध के धम्म का वाचन किया था, मनन किया था, चिंतन किया था। हम सबको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब 10वीं कक्षा में पास हुए थे 1907 की बात है तो उस वक्त बाबा साहब के जो पिताजी थे रामजी अम्बेडकर उनके एक दोस्त थे वो केलुस्कर गुरुजी, उन्होंने 1898 में एक किताब लिखी थी भगवान बुद्ध का चरित्र। तो उसमें भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी है, जो बुद्ध धम्म के जो सार है उसकी बातें कही गई थी और 10वीं कक्षा में भीमराव 10वीं कक्षा पास होने के उपलक्ष में उसको वो किताब प्रेजेंट दी थी। तब से जाके बाबा साहब ने उस किताब को बहुत गहराई से पढ़ा था। उससे पहले बाबा साहब के पिताजी इतने पढ़ाई के बारे में गंभीर थे कि जब तक वो कुछ रामायण महाभारत उस वक्त की जो भी कोई धर्म ग्रंथ थे उनको पढ़े बगैर उनको खाना नहीं मिलता था। और बाबा साहब सारी किताबें पढ़कर वो एनालिसिस करते थे। तो 10वीं तक आते आते बाबा साहब की जो बुद्धि है वो विकसित हो गई, वो आर्गुमेंट करने लग गए और जब उन्होंने 1907 में भगवान बुद्ध का चरित्र बार बार पढ़ा और फिर वो रामायण महाभारत और उस वक्त के जो भी ब्राह्मणी ग्रंथ है वो पढ़ते थे तो रामजी बाबा के साथ उनकी बहस होती थी। तो ऐसे ही 1907 की बात है जब बाबा साहब का सत्कार हुआ था और बाबा साहब को बुद्ध की किताब मिली थी। तो बाबा साहब कहने लगे कि पिताजी मैं आपसे कुछ बातों में असहमत करता हूँ, असहमति दर्शाता हूँ क्योंकि मुझे बुद्ध का चरित्र बहुत अच्छा लगने लगता है। बुद्ध अकेले ऐसे इंसान मुझे नजर आते हैं कि जिन्होंने महिलाओं को बहुत ही सुरक्षित रखा, महिलाओं को सबसे पहले उन्होंने उनकी पुरजोर सुरक्षा की बात कही, महिलाओं को अधिकार देने की बात कही और अपने संघ में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का अधिकार दिया। और जो ग्रंथ आप मुझे पढ़ाने के लिए बोलते हो पिताजी उन ग्रंथों में तो एक जिसको तुम भगवान कहते हो उसने तो अपनी पत्नी को उसके ऊपर अन्याय किया है और ऐसे कई अन्याय के उदाहरण है। मनुस्मृति को जब मैं पढ़ता हूँ तो पाता हूँ कि महिलाओं के ऊपर कितने कुछ अन्याय और अत्याचार हो चुके हैं। और ऐसी किताबें आप पढ़ने को मुझे बोलते हो पिताजी तो रामजी बाबा समझ गए कि अब बिगुल बज चुका है, क्रांति का विद्रोह हो चुका है। तो तब से राम जी ने बाबा साहब को ये धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ने के लिए कहना छोड़ दिया और तब से बाबा साहब कंपेरेटिव स्टडी करने लग गए। जब वो 1913 में अमेरिका में चले गए सयाजीराव गायकवाड़ महाराज की स्कॉलरशिप पर तो कोलंबिया में जाने के बाद पहुंचने के बाद उनके जिंदगी में एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन हुआ। उनको जॉन डुई, डॉक्टर गोल्डन वाइजर, प्रोफेसर सेलिंगमन, प्रोफेसर कैनन, जेम्स शॉर्टवेल और हार्वे रॉबिन्सन, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां जो थी उस वक्त की, ऐसे प्रोफेसर के साथ उठ बैठने का चांस मिला और बाबा साहब उनके साथ फिर बहस करने लगे। हालांकि बाबा साहब ने यहाँ पर एक दो किताबें ही बुद्ध के ऊपर पढ़ी थी लेकिन जब वो अमेरिका में चले गए थे तो पाली टेक्स सोसाइटी की जो
सर राइस डेविड्स और मिसेस राइट डेविड्स की पॉलिटेक्स सोसाइटी की काफी किताबें थी, और उस वक्त के जितने भी बौद्ध विद्वान थे उनकी किताबें बाबा साहब के पढ़ने में आई, और बाबा साहब फिर जॉन डुई के साथ, गोल्डन वाइजर के साथ, प्रोफेसर कैनन, प्रोफेसर सेलिंगमन, जेम्स शॉटवेल और हार्वे रॉबिन्सन, इन सारी प्रोफेसर के साथ बहस करने लगे। और बाबा साहब अकेले ऐसे विद्यार्थी थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जिनको कि टीचर्स के रूम में अलाउ किया जाता था, और वो फिर टीचर लोगों के साथ बहस करते थे, तो सारे टीचर के प्रिय हो गए। तो बाबा साहब ने उस वक्त उनके साथ ह्यूमैनिटी के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में और आधुनिक विज्ञान के बारे में काफी सारी चर्चा की है। जब हम स्पीचेस के वॉल्यूम पढ़ते बाबा साहब के, तो हमें पता चलता है कि बाबा साहब को बचपन से पढ़ने की बहुत आदत थी, और केवल पढ़ते ही नहीं थे वो, तो कंपैरेटिवली डिस्कशन करते थे। और जैसा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने शुरू में ही लिखा है कि बुद्ध का एक सेंटेंस है, बाबा साहब ने शुरू में लिखा है कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानो, ये बुद्ध का जो वचन है बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस ग्रंथ में पहले पृष्ठ पर लिखा है। तो बाबा साहब की बुद्धि इतनी प्रखर हो गई, इतनी एनालिटिकल हो गई कि वो डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट्स को, ह्यूमैनिटी को और बुद्ध के धम्म को कंपेयर करने लग गए, और देखते देखते उनके सारे प्रोफेसर लोगों के साथ बाबा साहब की बहस होती थी, और उन बहस में बाबा साहब खड़े उतरते थे। तो जॉन डुई तो कहते हैं कि मेरा सबसे प्रिय अगर विद्यार्थी कोई है तो डॉक्टर आम्बेडकर है। प्रोफेसर सेलिंगमन तो बाबा साहब को बहुत मदद करते थे, कुछ फंड्स भी देते थे, और पढ़ाई में भी, पढ़ाई कैसी करनी चाहिए इसके बारे में बाबा साहब को गाइड करते थे। ये बात मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि बाबा साहब ने पॉलिटेक सोसाइटी का जो पूरा लिटरेचर बुद्ध के बारे में जो पढ़ा था, उसमें कैटेगोरिकली बाबा साहब ने एक चीज पढ़ी थी कि दुनिया के जितने भी धर्म है उन धर्मों में और तथागत बुद्ध के धम्म में एक मूलभूत फर्क है। तो मूलभूत फर्क क्या है? तो बाबा साहब कहते हैं कि मैंने जाना कि बुद्ध को मैं अलग क्यों मानता हूं, क्योंकि बुद्ध अकेले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया, लेकिन निसर्ग की शिक्षा का उन्होंने पूरा अधिकार दिया और निसर्ग की शिक्षा को ही उन्होंने अपना धम्म माना। उनका धम्म जो है वो नेचर्स रूल है, इसीलिए भगवान बुद्ध मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसा बाबा साहब लिखते हैं। फिर बाबा साहब ने कंपेरेटिवली स्टडी करना शुरू किया और इतिहास में जाकर तथागत बुद्ध के धम्म का और पूरे लिटरेचर का गहराई से अध्ययन किया। तो बाबा साहब ने बुद्धयानी धम्म में जो बहुत सारी भिक्कुनियां जो थी, करीब करीब 73 भिक्कुनियां हैं। हमको पता है कि जब हम त्रिपिटक पढ़ लेते हैं तो त्रिपिटक में तीन प्रकार के ग्रंथ है मुख्यतः। एक है सुत्तपिटक जो कि भगवान बुद्ध के 82,000 सूत्र है और कंपेरेटिव भिक्कु के 2,000 सूत्र है उसमें। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक यानी भिक्कु, भिक्कुनी, उपासक और उपासिकाओं की आचार संहिता, कौन से रूल होने चाहिए जिसका हमने पालन करना चाहिए। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में भगवान बुद्ध की शिक्षा और कंपेरेटिव जो भिक्कु थे उन भिक्कुओं की शिक्षाओं का फिलोसॉफिकल वर्णन आता है। तो ऐसे ही सूत्र पिटक में दिग्ध निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, ऐसे पांच भाग में भगवान बुद्ध के जितने भी प्रवचन है उसको विभाजित किया गया है। तो उसमें एक ग्रंथ आता है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में 10वें नंबर का जो ग्रंथ है वो है थेरी गाथा। थेरी गाथा ये जो ग्रंथ है वो अगर हम पढ़ लेते हैं तो करीब करीब 73 भिक्कुनिया थी बुद्ध के समय में। उन्होंने जो दुनिया की सबसे पहली कविताएं, दुनिया की सबसे पहली महिलाओं की लिखित फिलॉसफी है वो थेरी गाथा ग्रंथ में हमें मिलती है। तो क्या थेरी गाथाओं में है? तो थेरी गाथाओं को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि करीब 73 जो महिलाएं थी, जो भिक्कुनिया थी, उसमें से करीब करीब 95% अर्हत भिक्कुनिया थी। तो ये भिक्कुनिया अपने आप को बुद्ध कन्या कहती है, और इन बुद्ध कन्याओं की जो गाथाएं हैं, जो कविताएं हैं, जो कुछ फिलोसॉफिकल उन्होंने लिखे हुए कुछ स्टांजेस है, कुछ गाथा है, उनका जिक्र थेरी गाथाओं में आता है। तो थेरी गाथाओं में जितनी भी महिलाएं थी, जो भिक्कुनिया थी, उन्होंने क्या क्या लिखा है? तो
तो उसमें हम देखते हैं कि भिक्खुनी की आत्मनिष्ठा, यथार्थवाद, खुद का अनुभव और प्रामाणिकता की झलक उन थेरी गाथाओं की सारी 522 गाथाओं में हमको नजर आती है। हम लोग सुनते हैं आज तक भारत के इतिहास में हमको पढ़ाया जाता है कि महाभारत में, रामायण में, वेद काल में कुछ महिलाएं हुई जो सत्यभामा थी और कोई अलग अलग प्रकार की महिलाएं थी, उन्होंने कविताएं लिखी, उस वक्त के बहुत सारे श्लोक लिखे, लेकिन जब हम उनको पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो गुलामी के प्रतीक है। लेकिन कंपैरेटिवली जब हम थेरी गाथाओं का ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमको ये नजर आता है कि तथागत बुद्ध ने महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता दी थी, क्योंकि थेरी गाथा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं उन महिलाओं ने 2500 साल पहले नहीं लेकिन अभी कई गाथा लिखी हुई है। इतना साइंटिफिक एनालिसिस इन थेरी गाथाओं में महिलाओं ने लिखा है। कुछ कुछ महिलाएं तो लिखती है कि मैं बुद्ध कन्या हूं, पहले मैं ये गणिका थी। जैसे आम्रपाली के बारे में हम पढ़ते हैं, अम्बपाली थेरी, तो अम्बपाली थेरी अपने गाथा में लिखती है कि पहले मैं नगर वधु थी, बिंबिसार राजा और कई श्रेष्ठ लोग थे उनके उपभोग की मैं वस्तु थी, लेकिन मैं उस जीवन को पूरा वो उस जीवन से मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, लेकिन जब मैं तथागत बुद्ध के संपर्क में आई और तथागत बुद्ध के धम्म का आचरण मैंने शुरू कर दिया और संघ के जो विनय है उन विनयों के साथ मैं चलती रही तो मैं अर्हत बन गई और आज मुझे मेरी सुंदरता के ऊपर नाज नहीं है, मैं अपने आप को एक बुद्ध कन्या होते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जीवन का सही सुख पाया है, मैंने सारे जीवन का दुख खत्म कर दिया है। वैसी गाथा पट्टाचारा लिखती है। पट्टाचारा के बारे में आप सबको पता है कि एक ही दिन में उसके माँ बाप, उसका पति, उसके दो बच्चे मर गए थे और वो इतने दुख से पागल हो चुकी थी, लेकिन जैसे भी बुद्ध के संपर्क में आई तो उसको होश आया और वो फिर बाद में भिक्खुनी बन गई और देखते देखते पट्टाचारा अर्हत हो गई। तो पट्टाचारा अर्हत कैसी हुई, तो वो एक गाथा है धम्मपद में, सब्बे संकारा अनिच्छाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिन्दन्ति दुःखे एष मग्गो विशुद्धिया। सारे संस्कार अनित्य है, जो भी दुख आज हम सह रहे हैं अगर मैं धम्म का अच्छी ढंग से पालन करता हूँ तो मैं इन सारे दुखों के ऊपर मैं विजय मिला सकती हूँ और मैं सारे दुखों पर विजय मिलाने के बाद मैं बचा हुआ जीवन आनंद में जी सकती हूँ। और वो लिखती है कि मैंने संबोधि कैसे प्राप्त की, कैसे मैंने अर्हत पद को प्राप्त कर लिया, तो कहती है कि जब बुद्ध ने मुझे अनित्यता के ऊपर ध्यान करने को कहा तो मैंने मेरा सारा मेडिटेशन का कॉन्सेंट्रेशन अनिच्छा थेरी पर कॉन्सेंट्रेट किया कि दुनिया में जो भी चीज निर्माण होती है वो एक न एक दिन नष्ट होती है, तो मेरे बीच के जितने भी दुख है सुख है मैं उसको वर्तमान में देखती हूँ और उसको मैं सारी अनित्यताओं को देख देख कर मेरी सारी शरीर की संवेदनाओं को मैं उसका अभ्यास करती हूँ और धीरे धीरे ये संवेदनाएं आती है और निकल जाती है और मेरे शरीर का और मन का दुख धीरे धीरे कम होता जाता है और ऐसा देखते देखते ही मैं अर्हत बन गई। ऐसा ही किसा गौतमी ने लिखा है। किसा गौतमी का तो इतिहास आपको पता है, किसा यानी क्रूस, जो जिसका शरीर बहुत एकदम पतला सा था, वो बहुत पतली सी थी और कम उम्र में उसकी शादी हो गई थी, तो एक बच्चा पैदा हो गया और वो बच्चे को सांप को डसने से वो बच्चा मर गया और फिर बाद में उसने सोचा कि यहाँ पर इतना सा निशान है और इतने से निशान से कैसे मेरा बच्चा मर सकता है, तो वो मान ही नहीं रही थी कि मेरा बच्चा मर गया, तो किसी ने कहा कि जाओ इस जंगल में एक तथागत सम्यक संबुद्ध है उसके पास जाओ, वो अपने आपके बच्चे को दुरुस्त करा देगा, हो सकता बच्चा उनकी वजह से जीवित भी हो पाएगा। तो ये पता है आपको कि बुद्ध ने उसको सरसों के दाने लाने को कहा था और फिर वो सारे गांव में घूमती है और लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जिस घर में कोई भी नहीं मरा हो उस घर से सरसों के दाने लेके आ, मैं उसकी औषधि बनाकर फिर आपके बच्चों को जीवित होने की कुछ मैं कोशिश करता हूँ। तो दिन भर घूमती है सारे श्रावस्ती नगरी में और पाती है कि जिस घर में कोई मरा नहीं हो ऐसा घर ही नहीं है, तो शाम को आती है और कहती है कि भगवंत मुझे दीक्षा दे दो। दीक्षा देती है और बुद्ध की अनिच्छा, अनत्ता और दुखा और 4-10 पारामिताएं और आर्य अष्टांगिक मार्ग और प्रतीत समुत्पाद,
इन बातों पर वो मेडिटेशन करना शुरू कर देती है और बुद्ध के धम्म का अभ्यास करना शुरू कर देती है, और देखते देखते एक दो साल में ईसा गौतमी भी अर्हत हो जाती है। ऐसी ही जो 73 जितनी भी भिक्षुणियां हैं इनकी सारी कहानियां थेरी गाथाओं में आपको मिलेगी। एक कुंडल केशा भिक्षुणी थी, कुंडल केशा भिक्षुणी इतनी पढ़ी लिखी थी और वो एक फिलोसोफर थी, तो बुद्ध ने उसकी बहुत तारीफ की थी। बुद्ध ने कहा था कि कुंडल केशा ने रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन पांचों बातों को समझ लिया है और उसका दुख सारा नष्ट हो गया है। और ऐसी हम बातें देखते हैं तो ये सारा जो ज्ञान का भंडार है हमको थेरी गाथाओं में मिलता है। इसी थेरी गाथाओं को पढ़कर बाबा साहब ने 1942 में एक नागपुर में कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जो कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और जो बैकवर्ड क्लास के महिला और पुरुषों को वहां पर बुलाया था। 75,000 महिला इकट्ठा आई थी 19, 20 और 21 जुलाई 1942 को, और बाबा साहब ने देखा कि 25,000 महिला है। जब महाड़ का जो आंदोलन चलाया था बाबा साहब ने 1927 में, तब 5,000 महिलाओं में से 10,000 महिलाओं में से पुरुषों में से 3,000 महिलाएं आई थी वहां पर, और तब बाबा साहब ने महिलाओं को बहुत कोसा। उन्होंने कहा कि आपने हमको पेट में ही गर्भ में क्यों नहीं मार डाला, आपकी वजह से हम दरिद्रता में पैदा होते हैं और हमारा जीवन जो है वो दुखमय बना हुआ है। तो उस वक्त बाबा साहब ने महिलाओं को कोसा, उन्होंने कैसे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे ढंग से रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, पुरुषों के साथ साथ अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए, इतना बताने के बाद 1942 की उस सभा में 25,000 महिलाएं थी 75,000 लोगों में से। तो उस वक्त बाबा साहब ने बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट कहा है महिलाओं के बारे में। तो बाबा साहब कहते हैं कि जब 1927 में मैंने कुछ 3,000 महिलाओं को मार्गदर्शन किया था और आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 25,000 महिलाएं हैं और महिलाओं का अलग सेशन लगा है, तो उस वक्त बाबा साहब बड़े खुश होकर एक स्टेटमेंट करते हैं कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वुमन एज अचीव। मैं किसी समाज की उन्नति या प्रगति उस बात पर नापता हूँ, गिनता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति कर ली है। तो देखिए बाबा साहब महिलाओं को कितनी गंभीरता से शिक्षा देते थे, कितनी गंभीरता से पढ़ाते थे, कितनी गंभीरता से बाबा साहब महिलाओं के अधिकार के प्रति जागरूक थे। 1930, 31 और 32 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई तो बाबा साहब ने जो अधिकार पुरुषों के लिए मांगे थे उतने ही अधिकार महिलाओं के लिए भी मांगे। हालांकि कांग्रेस और गांधी तो उतना ही कहते थे कि जो लोग टैक्स पेयर है, जो लोग जमींदार है, उनको ही अधिकार मिलने चाहिए वोटिंग के, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो सार बने उसके ऊपर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, और उसमें 1937 में पहली बार पुरुषों के साथ भारतीय महिलाओं को मतदान करने का, वोटिंग का अधिकार भी मिला और वोटिंग के लिए मतलब इलेक्शन के लिए खड़ा होने का अधिकार भी मिला। मैं बात इसीलिए कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने महिलाओं को फ्री में कितना कुछ दिया। मैं तो कहता हूं कि केवल SC ST OBC की नहीं, इस देश की सारी सवर्ण महिलाओं को भी बाबा साहब का जो उपकार है उसको मानना चाहिए, और हमने भी उनको बताना चाहिए कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आप अभी भी गुलाम रहती, क्योंकि बाबा साहब ने 1937 में जो वोटिंग का और इलेक्शन को खड़ा रहने का अधिकार दिया था, अमेरिका के महिलाओं को 1942 में मिला और इंग्लैंड की महिलाओं को 1943 में मिला, जहां पर डेमोक्रेसी 200 साल पहले इस्टेब्लिश हुई थी। उन डेमोक्रेटिक देशों ने भी महिलाओं की फिक्र नहीं की, उससे ज्यादा फिक्र बाबा साहब ने महिलाओं की, भारतीय महिलाओं की थी। तो ये जो उपकार है महिलाओं ने बाबा साहब के प्रति क्यों मानने चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि सारी SC ST OBC की महिलाएं हैं, और आज की सभा में जो भी 236 लोग हैं उनमें से करीब करीब आधी महिलाएं हैं, तो इन सारी महिलाओं ने भगवान बुद्ध का जो थेरी गाता है वो भगवान बुद्ध की शिक्षा का ग्रंथ, और बाबा साहब ने महिलाओं के प्रति क्या क्या काम किया इसकी स्टडी करनी चाहिए, और खुलेआम आप सौर्ण महिलाओं को जाकर बता सकते हो
कि जो भी अधिकार आप उपभोगते हो, जो भी अधिकार आप पाते हो, एक केवल और केवल आपको बाबा साहब की वजह से मिला है। 1942 में बाबा साहब जब लेबर मेंबर बने, इंटरिम गवर्नमेंट में बाबा साहब गए, तो 1942 से लेकर तो 1946 तक बाबा साहब के पास 5 मंत्रालय के अधिकार थे। उसमें से महिला बाल कल्याण, लॉ मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, प्लानिंग कमीशन मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर और वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, ऐसे पोर्टफोलियो बाबा साहब के पास थे। तो बाबा साहब ने मजदूरों के लिए और महिलाओं के लिए 49 कानून बनाए। आपको पता है या नहीं पता है मुझे नहीं पता, लेकिन उन 1000 जितने भी कानून आज तक बनाए थे, वो 1000 कानून 2014 में जो सरकार आई, उन्होंने उसमें से बहुत ही लिबरल जितने भी जो कानून थे वो रद्द कर दिए। बाबा साहब ने 49 कानून जो बनाए थे उसमें महिलाओं के ज्यादा कानून थे। उसमें महिलाओं को इक्वल वेतन का अधिकार, जो प्रेगनेंसी की जो छुट्टी है उसके अधिकार, और पुरुषों के साथ जितना भी अधिकार थे वो सारे अधिकार देने के, ऐसे करीब करीब 49 कानून बाबा साहब ने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के भी अधिकार दिए। और संविधान में तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 14 का जब डिस्कशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में, तो करीब 300 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उसमें 10-15 महिलाएं थी। और जब विषय आता था महिलाओं को अधिकार देने का, तो उस वक्त की महिला भी विरोध करती थी महिलाओं को अधिकार देने के लिए, लेकिन बाबा साहब अकेले खड़े रहते थे और सारी फिलोसॉफिकल बुद्धि हमारी लगाते थे और सबको नामोहरण कर देते थे, और अकेले के दम पर सारे महिलाओं के अधिकार को खुद खींच कर लाते थे। वैसा ही हिंदू कोड बिल के वक्त बाबा साहब के साथ हुआ, लेकिन जिन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया उन्होंने महिलाओं को सामने करते हुए हिंदू कोड बिल का विरोध किया। हिंदू कोड बिल में क्या अधिकार थे महिलाओं को? तो प्रॉपर्टी का इक्वल राइट, घर में डिसीजन लेने का इक्वल राइट, शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसका अधिकार देने का राइट, पति पति के साथ जितना भी जो भी प्रॉपर्टी है उसके उसके साथ निर्णय लेने का अधिकार, ऐसे सारे अधिकार उस हिंदू कोड बिल में थे। और बाद में टुकड़े में जो टुकड़े टुकड़े में जो हिंदू कोड बिल आया उसका क्रेडिट भी बाबा साहब को नहीं दिया गया। तो हम लोग अगर महिलाओं के प्रति बाबा साहब ने कितना कुछ योगदान दिया इसका जब हम अभ्यास करते हैं, तो हम पाते हैं कि बाबा साहब को अगर भारत के इतिहास से हटा दिया जाता है तो महिलाओं की स्थिति आज भी गुलाम से कुछ कम नहीं थी। एससी एसटी ओबीसी और सारी महिलाएं, ये अगर बाबा साहब नहीं रहते तो आज गुलाम बने रहती थी, उसको घर के बाहर निकलने का अधिकार तक नहीं होता। इसीलिए हम विद द पीपल में जोड़ने के बाद यही करते हैं कि हमने क्यों 10, 20 और 30 तारीख को महिला विशेष रखा है, ये इसलिए रखा है कि महिला बहनें जो है हमारी सामने आए और अपनी बात रखे, अपने में लीडरशिप की क्वालिटी इंप्रूव करे और अपनी बात पुरजोर तरीके से आगे आकर कहे। तो ये सारी बातें जो है हमको जो मिली है इसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इससे पहले अगर हम 60-70 साल बाबा साहब के पहले अगर देखते हैं तो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जो है, इन दोनों जो पति पत्नियों का महिलाओं के उन्नति के बारे में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि सावित्रीबाई फूले ने तो खुद तो ये हेडमास्टर थी, लेकिन अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इतने क्रांतिकारी काम किए कि उन्होंने जो भी महिलाएं उस जमाने की थी, खासकर जो पुजारी लोग महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार करते थे और जो अवैध बच्चे पैदा होते थे उनके लिए बाबा ज्योतिबा फूले ने एक आश्रम खोला था, उसमें सावित्रीबाई फूले उसका सब पालन पोषण करती थी और उसकी पूरी डिलीवरी का काम वो खुद करती थी। और बाद में जब स्लेवरी नाम का ग्रंथ ज्योतिबा फूले ने लिखा तो तृतीय रत्न नाम का एक जो कविता संग्रह वो भी सावित्रीबाई फूले ने लिखा। अगर हम लोग तृतीय रत्न जो सावित्रीबाई फूले का जब कविता संग्रह पढ़ते हैं तो उनके क्रांतिकारी विचारों का परिचय हमें हो जाता है। और जब ज्योतिबा फूले मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तब 1890 में ऐसा एक प्रसंग आता है कि उस वक्त उनको आग अग्नि कौन देगा, तो सावित्रीबाई फूले ने खुद वो जो मृत्यु के साथ वो जो चलते हैं उसका जो जो मिट्टी का बर्तन उठाने का जो होता है वो उठा लिया खुद, और खुद के हाथ से ज्योतिबा फूले के अर्थी को उन्होंने अग्नि दिया। इसका मतलब 1890 में सावित्रीबाई फूले जो करती है
जो करती थी वो आज के महिलाओं को भी अधिकार नहीं मिला। इतना क्रांतिकारी विचार ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले का था। तो मैं सारी बहनों को ये कहना चाहता हूँ खासकर कि हमें सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और जितनी भी महिलाएं क्रांतिकारी महिलाएं हुई उनके इतिहास के बारे में, उनके योगदान के बारे में गंभीरता से पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। और बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम आपको अधिकार दिए और हिंदू कोड बिल से बाबा साहब क्या कुछ अधिकार क्रांतिकारी विचार आपको देना चाहते थे, इसके बारे में गंभीरता से आपने सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि महिलाओं के दिन में क्यों ना एक महिला आगे आए और बाबा साहब की एक किताब पर अपना 10-15 मिनट का एक व्याख्यान दे, जैसा कि एनिलेशन ऑफ पास पर दे सकती है कोई महिला की, जैसे व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल्स इसके ऊपर दे सकते हैं, और राइज एंड डाउनफॉल ऑफ हिंदू वुमन इसके ऊपर बाबा साहब का एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है, उसके ऊपर भी महिलाएं खास टिप्पणी लिखकर अपना एक 10-15 मिनट का व्याख्यान दे सकती है, जिसके बल पे महिलाएं खुद आके आकर महिलाओं में बहुत क्रांति ला सकती है, ऐसा मैं इस वी द पीपल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं सारी बातें अपने बहनों को क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा साहब का सपना था कि हमारे देश की जो 50% या 49-48% महिलाएं हैं उनको सारे पुरुषों के जो अधिकार है वो मिलने चाहिए। और बाबा साहब कहते हैं कि महिला जो भी घर में होती है वो पुरुष से ज्यादा होती है। बाबा साहब का एक और स्टेटमेंट है, बाबा साहब कहते हैं कि अगर घर का पुरुष शिक्षित हो जाता है तो सिर्फ वो फैमिली को दुरुस्त कर सकता है, लेकिन घर की महिला अगर शिक्षित हो जाती है तो देश की उन्नति का काम करती है। इतना महत्व बाबा साहब ने महिलाओं की उन्नति के लिए दिया था, महिलाओं के शिक्षा के प्रति वो इतने गंभीर थे। तो क्यों ना हम लोग विद पीपल में जितनी भी बहनें जुड़ती है, मैं यहाँ इस फोरम से विद पीपल समन संघ से मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आप आगे आए और अपने नेतृत्व का जो गुण है उसको विकसित करें और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, इतना ही नहीं तो उससे आगे जाकर आप नेतृत्व करें, क्योंकि जितनी भी महिलाओं की प्रगति होगी उतना ही पुरुष सीधे ढंग से चलता है, अन्यथा पुरुष ऐसा है जिसको धर्म ने अधिकार दिया है, जो कि बुद्ध का धम्म छोड़कर अगर दूसरे धर्म की बात कहते हैं तो पुरुष को ज्यादा अधिकार दिए है और पुरुष अपने आप से अपने अधिकार खोना नहीं चाहता। तो इसलिए महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़नी होगी। और जो भी साथी हमारे महिलाओं के बारे में फेमिनिस्ट जितने भी साथी है वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आएंगे, आपकी मदद करेंगे। ये विद पीपल से क्यों मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि विद पीपल एकमात्र ऐसा संघ है जो कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की ज्यादा उन्नति होनी चाहिए इसके बारे में गंभीरता से सोचता है। तो फिर हमको क्या करना है, आपको मैं चाहता हूं कि अभी 30 तारीख की जो भी महिलाओं विशेष की मीटिंग लगेंगी तो सारी बहनें आज के बाद कम से कम 100 महिलाओं को ज्यादा संख्या में जोड़े, ताकि आपके हाउस में अटेंडेंस पुरुषों से ज्यादा हो जाए। और उस वक्त आपको क्या करना होगा, तो खुद को गंभीरता से विद पीपल के साथ जोड़ना होगा। उसके बाद आपको जितनी भी आपकी सहेलियां हैं, आपके ऑफिस में काम करने वाली जो भी महिलाएं हैं, SC ST OBC या फिर जितनी भी सवर्ण महिलाएं जो कि फेमिनिस्ट है उनको भी आप बता सकते हो। तो अगर हम लोग ये गंभीरता से लेते हैं, खुद जोड़ते हैं, औरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस देश की जो डेमोक्रेसी है जिसको बाबा साहब ने बड़ी गंभीरता से और बड़ी मेहनत से हमको दिया है, तो डेमोक्रेसी बच सकती है। अदरवाइज बाबा साहब का एक स्टेटमेंट है, बाबा साहब कहते हैं डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अ टॉप ड्रेसिंग ऑन एन इंडियन सॉइल विच इज इसेंशियली अनडेमोक्रेटिक। भारत में जो लोकतंत्र है वो ऊपर ऊपर का ही लोकतंत्र है, केवल समाज का 3% हिस्सा ही डेमोक्रेसी का बेनिफिट उठा रहा है। हालांकि 97% जो SC ST OBC और महिलाएं हैं इनको इस डेमोक्रेसी का पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो बेनिफिट नहीं मिलता है, इसीलिए ये डेमोक्रेसी ऊपर ऊपर की है। और अगर महिलाएं अगर इस कथन का बाबा साहब के गंभीरता से लेती है तो आप 50% क्लेम कर सकती है अधिकारों के बारे में। तो विद पीपल आपको इतनी स्वतंत्रता देता है, आपको बहुत बड़ा स्पेस देता है कि आप जितना भी चाहे अपनी पर्सनालिटी को उजागर करो, विकसित करो। तो आपको जुड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा पुरुषों के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहकर बाबा साहब के
ज्योतिबा फुले के और बुद्ध के, कबीर के और सारे जो पेरियार रामास्वामी नायकर के, इन सारे महामानों का जो आंदोलन है उसको हमको बढ़ाना है। इसीलिए मैं महिलाओं को, खास मेरे बहनों को ये कहना चाहूंगा कि आप आगे आए विद पीपल में, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आप यहाँ की सीट हमसे ले लें। हम तैयार है आपको जितने भी अधिकार देने को, जितना भी आपको स्पेस चाहिए विद पीपल आपको देने के लिए तैयार है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय बुद्ध, जय सरदार। बहुत साधुवाद सर, बहुत साधुवाद सर, थैंक यू, साधुवाद सर, बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद, साधुवाद, आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam Sarnam Garchami.